रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव की तारीख सामने आ गई है। WFI के चुनाव 4 जुलाई 2023 को होंगे, फेडरेशन ने इसका ऐलान किया है। चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस महेश मित्तल को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि पहलवानों से मीटिंग में खेल मंत्री ने 30 जून तक चुनाव कराने का भरोसा दिया था। ब्रजभूषण चरण सिंह ये चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, वो लगातार 3 बार अध्यक्ष रहे हैं, इसलिए फेडरेशन के नियमों के अनुसार वो किसी भी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर 4 महिला पहलवानों ने दिल्ली पुलिस को पूर्व WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण के ऑडियो विजुअल सबूत उपलब्ध करवा दिए हैं। तो वहीं ब्रजभूषण और रेसलर विवाद में पहलवान विनेश फोगाट ने कहा है कि हम 15 जून को चार्जशीट आने का इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद आंदोलन को लेकर बड़ा ऐलान करेंगे। एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में विनेश ने कहा है, मैं प्रधानमंत्री की चुप्पी से दुखी हूं। जब पहलवान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बात कर रहे थे तो वो फोन में व्यस्त थे, उन्हें मेरी परेशानियां सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों से बात की थी, जिसमें भरोसा दिया गया था कि 15 जून को केस की चार्जशीट फाइल होगी। महिला पहलवानों के यौन शोषण केस में दिल्ली पुलिस ने 3 देश कजाकिस्तान, मंगोलिया और इंडोनेशिया से जांच में मदद मांगी है। इनमें कुश्ती संघों को नोटिस भेजकर उन जगहों की CCTV फुटेज और फोटो देने को कहा है जहां महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं।